भैया किसी भी मौका एलोकेशन में हमें तो कोई सीट मिले नहीं, क्या हमारे लिए काउंसलिंग खत्म हो गई? क्या हम बाहर निकल के बैठ जाएं? भैया इस कॉलेज की लोअर ब्रांच अच्छी है या इस कॉलेज की कंप्यूटर साइंस अच्छी है, कौन सी में हमें जाना चाहिए? क्योंकि ये कॉलेज तो बढ़िया है लेकिन ये कॉलेज उतना बढ़िया नहीं है प्लेसमेंट वाइज, तो हमें किस कॉलेज को चूज़ करना चाहिए? भैया इस कॉलेज की स्पॉट राउंड, इस काउंसलिंग की स्पॉट राउंड तक जाना चाहिए या इस काउंसलिंग की स्पॉट राउंड तक जाना चाहिए? क्योंकि इस कॉलेज में आपको बढ़िया कॉलेज तो मिल रहा होगा लेकिन ये लेट तक जाएगी, और इस काउंसलिंग में आपको कॉलेज बेकार मिलेगा लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि ये आखिरी तक जाएगी तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो क्या भैया हमें कौन सी काउंसलिंग में एंड तक वेट करना चाहिए? ठीक है, तो आज की वीडियो में यार इसी तरह के कुछ टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यार काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, मॉक एलोकेशन बस आपका एक एक्सपेक्टेड रैंक के हिसाब से आपका दिखा देता है कि आपको कौन सी एक्सपेक्टेड सीट्स मिल सकती हैं। हाँ ठीक है, आप आखिरी राउंड तक ट्राई कीजिए, काफ़ी हद तक मॉक एलोकेशन ठीक भी हो सकता है लेकिन आप 6th राउंड तक ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और जिनको अभी मॉक एलोकेशन में मिल गया है उनको बधाई हो यार, बढ़िया, अगर आपको मनपसंद आपका कॉलेज मिल गया है। जिनको बीच का कॉलेज मिला है वो भी वेट करें, थोड़ा रुकें और आखिरी तक उनको अच्छा कॉलेज बेटर मिल रहा होगा, ठीक है। और जिनको नहीं मिला वो भी यार काउंसलिंग में ज़रूर ज़रूर बैठे, 6th राउंड तक जाएँ। अगर 6th राउंड में भी नहीं मिलता है तो आपका एक काउंसलिंग होगी दोबारा से, जिसका नाम हमें याद होना चाहिए, जिसका नाम है CSAB। उसके बारे में थोड़ा सर्च करो यार अगर नहीं पता तो जब CSAB राउंड्स होंगे, उनको हम स्पॉट राउंड भी कह देते हैं, जब वाले राउंड्स होंगे तो यार जिनकी 55 या 50,000 रैंक है उनको IITs में एडमिशन मिल जाएगा, जो न्यूली ओपन IITs है, ठीक है। और जिनकी 1,00,000 से ऊपर रैंक है उनको GFTIs में एडमिशन मिल जाएगा, तो घबराओ नहीं यार, एडमिशन मिल जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ यार, अगर आपको लगता है अभी कि हाँ भाई हमें और कुछ कॉलेजेस डालने चाहिए तो आप कल शाम तक डाल सकते हैं, कल शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, ठीक है। और आपको लगता है कि अभी इस कॉलेज का काउंसलिंग का, वैसे तो सारी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन हो गए, अगर आपको फिर भी कोई काउंसलिंग मिल रही है और आपको उसके कॉलेजेस पसंद हैं तो आप उसमें भी रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब्र रखें, सब कुछ बढ़िया होगा। अब बात करें यार कॉलेज और ब्रांच की, किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच, कि भैया ये कॉलेज ऊपर का कॉलेज है और इसमें लोअर ब्रांच मिल रही है, और भैया ये थोड़ा छोटा कॉलेज है और इसमें कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो कौन सी चूज़ करें? अब यहाँ पे यार फुल्ली आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, लेकिन अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो अगर ये कॉलेज बहुत ही बड़ा है और इसकी जो ब्रांच है वो आपकी बीच के कोर में से आ रही है, ज़्यादा नीचे भी नहीं है ज़्यादा ऊपर भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन यार बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, कोई बीच की ब्रांच आ रही है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, मैकेनिकल हुई, इलेक्ट्रिकल हुई, तो आप ये वाला कॉलेज चूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। और अगर इसमें अगर अपग्रेडेशन है तो और बढ़िया है, ठीक है, सोने पे सुहागा है। अब अगर इस कॉलेज की बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है और इसमें आपको बहुत ही लोअर ब्रांच मिल रही है। अब आपको दो चीज़ें देखनी है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए या आपको कॉलेज में कॉलेज लाइफ चाहिए। तो कॉलेज लाइफ चाहिए तो आप इस वाले कॉलेज में जाइए, और प्लेसमेंट चाहिए तो आप इस कॉलेज में जाइए। अब आपके कैंपस में चाहे कंपनीज आ रही हो या ना रही हो, आप ऑफ कैंपस ट्राई करके प्लेसमेंट्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ये मेरी ओपिनियन है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहेंगे। अब बात करते हैं यार कि भैया इस काउंसलिंग में हमें अच्छा कॉलेज मिल रहा है लेकिन ये काउंसलिंग बहुत बाद में ख़त्म होती है और हम फाइनेंशियली उसको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें मैंने पैसे लगा दिए, इसकी काउंसलिंग जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और हमने इसमें कॉलेज ले लिया और पैसे लगा दिए और इसमें बाद में कॉलेज मिला तो हम ये वाले पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो यार यहाँ पे भी आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि रिस्क आपका कितना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है और आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो आपको इसका कॉलेज यार पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि स्पॉट राउंड में अगर वेरिएशंस आ गए, वैसे तो सीट्स इंक्रीज हुई हैं ऊपर के कॉलेजेस में, तो आपको इस कॉलेज में भी, बढ़िया कॉलेज में भी जो जिसकी बाद में ख़त्म हो रही है उसमें सीट्स मिल जाएगी, अगर लास्ट ईयर आपको मिल रही थी तो, ठीक है, अगर नहीं मिल रही थी तो चांसेस बन सकते हैं, राइट। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी तो ये वाला कॉलेज पकड़ लो, और ज़रा सा भी आप रिस्क ले सकते हो, आपकी फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं कि आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो, तो आप डेफिनेटली बढ़िया कॉलेज की काउंसलिंग की तरफ ट्राई मारिए, क्योंकि यार एक ही बार चांस मिलता है, उसके बाद शायद आपको एक बार कॉलेज चूज़ कर लिया तो फिर कभी चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। CSAB राउंड तक का वेट करें यार, CSAB में ज़रूर ज़रूर बैठें, और स्पॉट राउंड में काफ़ी फ़र्क पड़ता है रैंक्स पे, ठीक है। होपफुली आप सभी को काफ़ी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिनको मिल गए हैं बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं मिले हैं सबर रखो, सबर का फल मीठा होगा, आपको भी कॉलेजेस मिलेंगे। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।